हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। आज हम बनाएंगे बेसन और ओट्स को मिलाकर बहुत ही हेल्दी कुकीज़, जिसमें हम ना मैदा यूज करेंगे और ना ही बटर, और ना ही इसके लिए हमें ओवन की ज़रूरत है, क्योंकि इसे हम बेक करेंगे कढ़ाई के अंदर, जो कि बनेगी बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी। तो चलिए फिर देखते हैं इस आसान सी रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे, जिस पे हमें अपने कुकीज़ बनाने हैं। तो ये मैंने गैस पर रखी है थोड़ी सी एक चौड़ी वाली कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने रख दिया है एक वायर रिंग, और थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, और इसे हम ढक कर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे एकदम स्लो गैस में। तब तक हम अपनी कुकीज़ की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है बड़ा सा बोल, हमें थोड़ा सा बड़ा और गहरा बोल चाहिए, ताकि जब हम अपनी सारी चीज़ें विप करें तो वो बाहर ना निकले। इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले ये आधी कटोरी मैंने गुड़ लिया है, और ये बाजार में इस तरह से आपको जैगरी पाउडर करके मिल भी सकता है, पर मैंने इसको बड़े गुड़ से इसको छोटा छोटा सा चाकू की सहायता से काट लिया है। आधी कटोरी लिया है मैंने इसे, और उसी कटोरी से आधी कटोरी मैंने लिया है देसी घी। और घी ऐसा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बिल्कुल पिघला हुआ भी ना हो और एकदम टाइट फ्रिज वाला भी ना हो। और इसे फेंटने के लिए या तो आप इस तरह का विस्कर ले लें, इससे फेंटने में हमें लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। और अगर आपके पास ऐसा वाला बीटर है तो इससे जो है बहुत जल्दी हो जाता है। आज मैं आपको बीटर से फेंट कर दिखाऊंगी। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ना हो जाए। आप देखेंगे कि एकदम 2 से 3 मिनट में ही ये हमारा बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। अब इसे हम चारों तरफ से ऐसे बीच में इकट्ठा कर लेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ पास से, आप देखें कितना ये क्रीमी टेक्सचर का हो गया है। और आप चाहें तो इसमें गुड़ की जगह ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम एक छलनी, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी बेसन। जिस कटोरी से हमने घी और अपना जैगरी पाउडर लिया, उसी कटोरी से 1 कटोरी बेसन, और 1/2 टीस्पून, आप देख सकते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, और 1/4 टीस्पून नमक। अब इन सबको हम छान देंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो बेसन के आप देख रहे हैं थोड़ी गुठलियाँ वगैरह होती हैं तो वो निकल जाती हैं, और हमारे बेसन में जो है वो थोड़ी सी एयर ट्रैप हो जाती है तो वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। सब कुछ उसी में इस तरह से छान के कर दें। अब पहले इसे हम बहुत अच्छे से ऐसे मिला देंगे, बहुत टाइट हाथों से हमें नहीं मिलाना है, बस ऐसे इसे फोल्ड करते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी उसी कटोरी से, ये रेगुलर ओट्स हैं जिसे हम घर में डेली में यूज भी करते हैं। आप देखिए बस 1 कटोरी इसे हम डाल देंगे, और थोड़े से मैं डाल रही हूँ इसमें चोको चिप्स। अब इन्हें भी हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा परफेक्ट डो एकदम कुकीज का तैयार हो गया है। अगर हम बनाते हैं परफेक्ट मेजरमेंट से तो हमारा डो भी बिल्कुल बनता है परफेक्ट। अगर इसको आपको पास से दिखाऊं, इसका एक गोल बनाकर, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छे से ऐसे लड्डू की तरह बन रहा है। आप अपने मनपसंद किसी भी साइज की कुकीज तैयार कर सकते हैं, बड़ी छोटी। अगर आप थोड़ी सी मोटी रखेंगे तो अंदर से थोड़ी बिस्कुट जैसी होगी, और थोड़ी पतली कर देंगे तो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसे आप बीच का रखें, ना बहुत मोटा और ना बहुत पतला। अब मैं सारी कुकीज पहले इस तरह से तैयार कर लूंगी। आज मैं बनाऊंगी अपनी कुकीज कढ़ाई में, और इसके लिए मैंने ली है ये नॉर्मल डेली यूज वाली स्टील की प्लेट, और इसके अंदर मैंने लगाया है बटर पेपर, ताकि हमारी कुकीज थोड़ी सी भी ना चिपके।
और अपनी सारी कुकीज हम बना कर इस तरह से प्लेट पर रख देंगे। और हम रखेंगे थोड़ा सा प्लेट पर डिस्टेंस रखते हुए, क्योंकि कुकीज हमारी थोड़ी सी फूलेंगी भी। बहुत अच्छे से आप इसे दबाते हुए ऐसे शेप देते हुए और इसमें इस तरह से रखते हैं। ये सारी कुकीज़ मैंने बनाकर तैयार कर ली है और आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़े से डिस्टेंस पे हमें अपनी कुकीज़ लगानी है। और इसे बहुत टेस्टी और खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स और भी लगा दूंगी। दो दो या तीन तीन आप इस पे चोको चिप्स और भी लगा दें। ये हमारी सारी कुकीज़ जो है बेक होने के लिए एकदम रेडी है। अब इसे हम रख देंगे फटाफट अपनी पहले से हो रही प्री हीट कढ़ाई के अंदर, आराम से रखें और ढककर इसे हम बेक करेंगे लगभग 18 से 20 मिनट के लिए, या फिर जब तक हमारी कुकीज अच्छे से बेक ना हो जाए। लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हम अपनी कुकीज को जो है वो चेक करेंगे। वाह, अब देखें कुकीज हमारी एकदम अच्छे से फूल गई हैं और ये अच्छे से बेक भी हो गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा हम अपनी कुकीज़ को ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम गर्म में इसे टच करेंगे तो ये टूट सकती हैं। कुकीज़ हमारी एकदम ठंडी हो गई हैं और मैं इसको आपको दिखाऊं पास से, बिल्कुल बहुत ही अच्छे इसमें क्रैक्स आ गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया कढ़ाई में भी बेक हो गई। और अगर आप मैं बैक साइड से दिखाऊं तो ये भी बहुत अच्छे से सिक गई हैं। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आप अंदर से भी देखेंगे ये हमारे हेल्दी एंड टेस्टी कुकीज, जो कि खाने में है बहुत ज्यादा टेस्टी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपको भी बहुत पसंद आएंगे। छोटी मोटी शाम की भूख के लिए चाय के साथ ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमने इसमें ओट्स यूज किया है, इसमें कोई मैदा हमने यूज नहीं किया और हमने बटर की जगह भी इसमें घी यूज किया है। और बटर की अपेक्षा जो है घी हेल्दी होता है और इसे आप स्टोर कर सकते हैं महीनों तक। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक बार फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।